आप देख रहे हैं अमेज नाउ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके पदाधिकारियों ने गोरखपुर में तैयार किया 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर, जहां रखे जाएंगे लक्षण विहीन कोरोना पॉजिटिव। गोरखपुर जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके पदाधिकारी आगे आकर विभिन्न स्थानों पर सेवा कार्य में लग गए हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरखपुर महानगर द्वारा सुभाष चंद्र बोस स्थित भाऊराव देवरस छात्र निलियम में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें नॉर्मल कोविड पेशेंट खुद को आइसोलेट कर सकेंगे। यहां पर अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं जो पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेंगी। इस आइसोलेशन वार्ड की मुख्य बात यह है कि जो भी मरीज यहाँ एडमिट होगा उसकी हर प्रकार की सेवा सारे स्वयंसेवक मिलकर करेंगे। आइसोलेशन सेंटर पर जानकारी देते हुए प्रांत संचालक व सेवा भारती अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि ये 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर है, जहां ऐसे मरीजों को लिया जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव हैं पर उनके कोई लक्षण नहीं है। साथ ही उनका ऑक्सीजन लेवल 95 तक है। हम उन्हें योग, व्यायाम व संस्कार भी कराएंगे। आज सेवा भारती के तत्वावधान में ये जो आइसोलेशन सेंटर खुला है, इसमें केवल उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं परंतु उनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं है या उनका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 95 के आसपास है, उससे बहुत नीचे नहीं जा रहा है, इस तरह के लोगों को यहाँ रखा जाएगा, जिनके स्थान की कमी की वजह से घर पर वो अपने को अलग से नहीं रख पा रहे हैं, आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को जिनके घरों में स्थान बहुत कम है, ऐसे व्यक्तियों को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। उनको हम लोग जो सामान्य दवाइयाँ हैं कोरोना के लिए प्रिस्क्राइब की गई हैं उन दवाओं को दे देंगे। भोजन और जलपान का उनका यहाँ व्यवस्था रहेगी। उसके अतिरिक्त उनको योग और संस्कार का भी कार्य किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाएगा? ये इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चिकित्सक यहाँ पर दिन में आएंगे और जैसी अवस्था होगी उसके मरीज के हिसाब से उसको अलग से राय भी देंगे।